दोस्तों आप सभी यूजर्स की डिमांड पर मैं लेकर आया हूं मोटोरोला 2020 स्मार्ट टीवी के अब तक के यूजर रिपोर्टेड इश्यूज की लिस्ट, ताकि आप सबको पहले से ही पता चल जाए कि इन टीवीज में आगे चलकर आपको क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जरूरी नहीं है कि ये इश्यूज हर यूनिट में आए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ही यूनिट्स में या फिर कुछ बैच ऑफ यूनिट्स में ही ऐसे डिफेक्ट्स या इश्यूज देखने को मिले। और अगर आपके पास ऑलरेडी ये टीवी है और आपको ये सारे इश्यूज फेस नहीं करने पड़ रहे तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आपको ये सारे इश्यूज ना आए। लेकिन अगर आपको कोई और इश्यू आ रहा है जो कि इस वीडियो में लिस्टेड नहीं है, तो उसे कमेंट्स में जरूर बताइए, ताकि बाकी यूजर्स को भी उन इश्यूज के बारे में पता चल जाए। तो चलिए फिर देर किस बात की, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर डैमेज यूनिट्स और इंस्टॉलेशन के दौरान आए इश्यूज को लिस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें इन टीवीज का कोई दोष नहीं है, क्योंकि शिपिंग के दौरान आए डैमेजेस के लिए शिपिंग कंपनी और इंस्टॉलेशन के दौरान आए इश्यूज के लिए सर्विस कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। तो दोस्तों इन मोटोरोला टीवीज को लेकर पहला यूजर रिपोर्टेड इश्यूज है इन टीवीज में स्क्रीन रीडिंग इश्यूज को लेकर, जहां कुछ ही यूजर्स ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि उन्हें अपने टीवी में स्क्रीन रीडिंग का इश्यू फेस करना पड़ रहा है। अब दोस्तों इस साल 2020 में मोटोरोला ने अपने टीवीज में VA पैनल यूज किया है, जिसमें आपको पता ही है कि स्क्रीन रीडिंग और व्यूइंग एंगल्स के इश्यूज आते ही हैं। और वैसे भी बाकी टीवीज के मुकाबले यहां पर काफी कम स्क्रीन रीडिंग वाले इश्यूज रिपोर्ट किए गए हैं, विच इज एक्सेप्टेबल टू सम एक्सटेंट। लेकिन ओवरऑल काफी यूजर्स इन टीवीज की पिक्चर क्वालिटी से काफी सेटिस्फाइड हैं। अब दोस्तों दूसरा इशू यूजर्स ने ऑडियो क्वालिटी को लेकर रिपोर्ट किया है। काफी यूजर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि इस टीवी के ऑडियो सिस्टम में आपको बेस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से काफी यूजर्स को म्यूजिक सुनते वक्त बेस और एनर्जी उतनी नहीं लग रही जितना कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। अब दोस्तों वैसे तो मोटोरोला क्लेम करता है कि उन्होंने यहाँ पर आपको दो हाई बेस स्पीकर दिए हैं, लेकिन बिना सेपरेट सबवूफर सिस्टम के एक साउंड बार से अच्छा बेस एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, फिर चाहे कंपनी हाई बेस स्पीकर दे या सुपर हाई बेस। अब दोस्तों तीसरा इशू यूजर्स ने हेडफोन जैक के ना होने को लेकर किया है, और उनका ये भी कहना है कि टीवी खरीदते वक्त फ्लिपकार्ट पर ये क्लियरली मेंशन किया गया था कि इस टीवी में आपको हेडफोन जैक या फिर ऑक्स पोर्ट कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन टीवी को इंस्टॉल करने के बाद उन्होंने जब चेक किया तो उन्हें ऐसा कोई भी पोर्ट देखने को नहीं मिला, जिसके बाद काफी सारे यूजर्स ने इस इशू को फ्लिपकार्ट को रिपोर्ट किया, जिसके बाद अभी यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने क्लियरली मेंशन कर दिया है यहाँ पर आपको ऑक्स पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों अगला इशू है वाईफाई कनेक्टिविटी को लेकर, जिसमें काफी यूजर्स 5 GHz वाले वाईफाई नेटवर्क को या तो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं तो वहाँ पर उन्हें फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शन फेस करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें बार बार नेटवर्क कनेक्ट करना और लॉगिन करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों 2.4 GHz वाले नेटवर्क में यूजर्स को कोई भी इशू फेस करना नहीं पड़ रहा है, और यहाँ पर काफी स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिला है। दोस्तों अगला इशू है स्क्रीन कास्टिंग को लेकर, जिसमें यूजर्स अपने मोबाइल स्क्रीन को टीवी पर कास्ट नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कर पा रहे हैं तो यहाँ पर उन्हें काफी ज्यादा लैग देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों अगेन ये मोबाइल फोन या मोबाइल मॉडल के स्पेसिफिक इशू भी हो सकते हैं, क्योंकि काफी लोग आराम से स्क्रीन कास्टिंग कर पा रहे हैं विदाउट एनी इश्यूज। दोस्तों नेक्स्ट इशू है USB कनेक्टिविटी को लेकर, जिसमें काफी यूजर्स ने अलग अलग इश्यूज फेस किए हैं, जिसमें से कुछ यूजर्स अपनी USB पेन ड्राइव टीवी से कनेक्ट कर रहे हैं तो टीवी उसे डिटेक्ट नहीं कर रहा है। अब दोस्तों इसका रीजन ये भी हो सकता है कि उन यूजर्स की पेन ड्राइव का फाइल सिस्टम NTFS होगा, जो कि एंड्रॉइड डिटेक्ट नहीं करता है, जिसके लिए आपको अपने पेन ड्राइव का फाइल सिस्टम FAT32 रखना होगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ यूजर्स के गेमिंग कंसोल भी मोटोरोला टीवीज डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो दूसरे डिवाइसेज और टीवीज में काफी अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। अब दोस्तों अगला इशू काफी सीरियस इशू है, लेकिन इस इशू को काफी कम यूजर्स ने रिपोर्ट किया है, और ये है मोटोरोला टीवीज के ओवरहीटिंग होने का, जिसमें काफी यूजर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि अराउंड 1 आवर यूसेज के बाद उनका टीवी ओवरहीट हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें उसे कूल डाउन करने के लिए बंद करना पड़ता है, और कुछ यूजर्स ने इस इशू के चलते अपने यूनिट्स रिप्लेस भी करवाए हैं। अब दोस्तों अगला इशू है मोटोरोला टीवीज के रिमोट को लेकर, जहां काफी यूजर्स को इस रिमोट के ऑपरेशन में एक लैग देखने को मिल रहा है, जबकि जनरली ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद रिमोट लैग नहीं करता, पर यहां ऐसा इशू देखने को मिल रहा है, जिसका जवाब शायद कस्टमर केयर के पास भी नहीं है। अब दोस्तों अगला इशू है प्राइम वीडियो एप्लीकेशन को लेकर, जहां यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि ये ऐप टीवी के साथ प्री इंस्टॉल्ड नहीं आती है, और ये आपको प्ले स्टोर पर सर्च करने पर भी नहीं
नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपको प्राइम वीडियोस ऐप को साइड लोड करना पड़ेगा। खैर ये कोई इशू तो नहीं है क्योंकि आफ्टर ऑल प्राइम वीडियोस इस टीवी पर काफी आराम से और स्मूथली चल रही है। ऐसे ही दोस्तों कुछ यूजर्स ने 6 मंथ्स ऑफ फ्री स्पॉटिफाई सब्सक्रिप्शन के बारे में रिपोर्ट किया है, जो कि क्लेम तो किया जाता है कि आपको टीवी के साथ फ्री मिलेगा, लेकिन कई यूजर्स को ऐसा कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है। और साथ ही दोस्तों इस टीवी की एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग भी 2 स्टार है, जिससे कि कुछ यूजर्स काफी डिसअपॉइंटेड है। तो दोस्तों ये थे मोटोरोला 2020 टीवीज के अब तक के यूजर रिपोर्टेड इश्यूज। अगर इसके अलावा भी कोई ऐसे इश्यूज है जो आप फेस कर रहे हैं इन टीवीज के साथ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपके पास इनमें से किसी भी इश्यू का फिक्स है तो उसे भी आप कमेंट्स में जरूर बताइए, ताकि बाकी यूजर्स भी अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर पाएं। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।